हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण और चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय प्रदूषण कारक एवं प्रभाव। चैप्टर है हमारे पास 9। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में चैप्टर 9 का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अभ्यास। इस चैप्टर की अभ्यास है हमारे पास, देखो इस चैप्टर की अभ्यास है हमारे पास प्रश्न नंबर 1। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, का प्रश्न है, जल प्रदूषित कैसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जल प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, उद्योगों द्वारा, विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियां, झीलों व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 2 है, मानव की दैनिक क्रियाएं, नदी तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण भी जल प्रदूषित होता है। नंबर 3 है, कृषि एवं कीटनाशक दवाएं, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर खा है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन आदि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। ठीक, उसके बाद है अगला प्रश्न गा, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। तो उत्तर होगा, जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है, यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। नंबर 2, टीवी, रेडियो, डीजे आदि को तेज ध्वनि में बजाने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। नंबर 3 है, पटाखों की तीव्र आवाज से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। नंबर 4 है, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, शायरन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। नंबर 5 है, प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए। तो उत्तर होगा, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। नंबर 2 है, जैविक खाद्य को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 3 है, गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण किया जाए। नंबर 4 है, वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधरोपण करना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, प्रदूषित जल पीने से पीलिया, क्या होता है, पीलिया। उसके बाद दमा, खसरा आदि बीमारियां, दमा, खसरा आदि बीमारियां किससे होती हैं, वायु प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, वायु प्रदूषण का परिणाम है। ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे भी कम करते हैं, पेड़ पौधे। उसके बाद है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखो, जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है, ये बात क्या है, गलत। वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है, गलत। मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, सही। घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए, सही। ठीक है, उसके बाद है 4th क्वेश्चन, मिलान कीजिए। तो देखो,
कीटनाशक, इसे किससे मिलान करेंगे, इसे मृदा प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद है दमा, इसे वायु प्रदूषण। उसके बाद है हैजा, इसे जल प्रदूषण। उसके बाद है चिड़चिड़ापन, ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।